हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, बारूद पुत्र डोगा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। ये रहा तुम्हारा मोंटू। मम्मी पापा डोगा ने बचाया, बदमाशों को खूब छकाया, बम फोड़ा। मोंटू मेरे बेटे, डोगा वैसा तेज आवाज वाला एक बम मुझे भी दो ना, मैं दिवाली पर छुड़ाऊंगा। नहीं बेटे, ये बम मातम के लिए फोड़ा जाता है, दिवाली के लिए नहीं। डोगा को खुशी थी कि बच्चा सही सलामत उसके माँ बाप के पास पहुंच गया। अरे देखो, फैंटम जा रहा है, उसे केला दे दो। बेवकूफ, उसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है, वो डोगा है। फिर तो केला नहीं दे सकते, कुत्ता केला नहीं खाता। उफ, मगर छिलके पर फिसल जरूर सकता है। हा। अरे कोई देखो, कहीं फैंटम को चोट तो नहीं लगी। हा। अबे वो फैंटम नहीं है, डोगा है। हा। कमाल है, मैं केले के छिलके पर फिसल कर गिर गया और ये मुझ पर हंस रहे हैं। हा। इन्हें समझाना होगा कि केले खाकर छिलके सड़क पर नहीं फेंकते। ठहरो डोगा, इन्हें माफ कर दो, ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर कसूर इनका नहीं है, इन्होंने भांग पी रखी है। ये लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को कुछ देर टेप बजाकर मस्ती करते हैं। आज इन्होंने भांग के पकोड़े खाए हैं, इसलिए आपे में नहीं है। रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। कोई कालू राम नाम का सेठ है, कहते हैं वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। उसने मन्नत मांगी थी, जब वह बीमारी से ठीक होकर उठेगा तो लोगों को मिठाई बांटेगा। कल उसने अफीम वाली बर्फी बांटी थी, परसों हेरोइन वाले पति से बांटे थे, तरसों गांजे वाली गज्जक और उससे पहले कोकीन वाली रबड़ी बांटी थी। लोग मीठा खा खा कर पेट खराब होने की शिकायत कर रहे थे, इसलिए कालू राम सेठ ने आज पकौड़े बंटवा दिए। डोगा, मैंने अभी तक नहीं खाए, तुम भी खाओ। अफीम वाली बर्फी, हेरोइन वाले पतीसे, गांजे वाली गज्जक, कोकीन वाली रबड़ी और भांग के पकोड़े। वाह, की स्वाद है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी मिठाई की दुकान है कहाँ पर? मेरा मतलब, कालूराम कहाँ पर बांटता है ये खैरात? शिवाजी पार्क में, रात को 8:30-9 बजे के बीच। कल भी बटेगी। हम गरीबों में मिठाई पकोड़े बांटकर बहुत पुण्य कमाएगा सेठ कालूराम। हाँ, भगवान मेरे कुत्ते की भी उम्र उसे लगाए। अरे एक पकोड़ा तो खाकर जाओ। चला गया। डोगा प्रतीक्षा में था, आज क्या बटेगा? सेठ कालूराम के आदमी मिठाई नमकीन लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? डोगा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हमारे धर्मात्मा कालूराम सेठ के आदमी आ गए। भगवान इन भले लोगों का भला करे। सब लोग लाइन लगा लो, आज क्या बांटोगे? तू तो ऐसे रोब से पूछ रहा है जैसे हमारा बाप हो और अपनी जायदाद की धौंस दे रहा हो। डोगा ने उन धोती कुर्तों की गर्दनें पकड़ ली। बाप ही हूं मैं तुम्हारा, लो देखो। डोगा, मुझे पता चला है कि तुम लोग यहाँ भोले भाले मजदूर लोगों को नशीली मिठाइयाँ और गज्जक बांटकर उन्हें नशे का गुलाम बना रहे हो। फिर जब उन्हें नशे की आदत पड़ जाएगी तो वो तुमसे नशा लेने के लिए चोरी करेंगे, डाका डालेंगे या खून करेंगे। आ उफ, डोगा की सांसों में से गुर्राहट की आवाज सुनकर बाकी के दोनों कांप गए। डोगा, तुम्हें किसी ने झूठी खबर दी है। हमारे कालूराम सेठ तो मूंगफली, रेवड़ी, मिठाइयों और गज्जक के थोक व्यापारी हैं। नन्ने, जरा टोकरी खोलकर तो दिखा। लो देख लो डोगा, आज हम मूंगफलियां बांटने आए थे। मूंगफलियां? हाँ डोगा, भला छिलकों में बंद मूंगफलियों में नशे की मिलावट कैसे की जा सकती है? ये तो विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स का भंडार है डोगा। हम चाहते तो काजू, बादाम, किशमिश, मेवे जैसे नेजे जैसे मेवे भी बांट सकते थे, मगर गरीबों का तो मेवा यही है। एक बार काजू बादाम बांटे थे,
जिन्हें खाकर गरीबों को दस्त लग गए थे। बंद मूंगफलियों में वाकई नशे की मिलावट करना मुश्किल है। तुम्हें ये कंफ्यूजिंग दान बंद करना पड़ेगा। अपने टोकरे उठाओ और यहां से भाग जाओ। और तुम लोग भी भाग जाओ। आज से यहां पर कोई खैरात नहीं बटेगी। जो भी कुछ खाना हो अपनी मेहनत मजदूरी कर खरीद कर खाना। दोगा उस कमाई में तो दाल रोटी प्याज ही खा सकते हैं। तो दाल रोटी और प्याज ही खाओ, क्योंकि अगर पकवान खाकर जुबान का टेस्ट खराब हो जाए तो दिमाग का टेस्ट खराब होता है। दिमाग का टेस्ट खराब हो जाए तो फिर वो फिर जाता है, और दिमाग फिर जाता है तो वो अपने अंदर अच्छे बुरे भले के बारे में सोचना बंद कर देता है और बगावत कर बैठता है। बागी दिमाग में अवसाद पैदा होता है, कुंठाएं जन्म लेती है। ये कुंठाएं जब अपनी हदें पार करती है तो इंसानियत को लांग जाती है, नैतिकता को बड़ी बेरहमी से कुचल डालती है। और जिस इंसान में ये दो चीजें मर जाती है वो इंसान इंसान नहीं रहता, अपराधी हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की एक मामूली सी गलती तुम्हें भी अपराधी बना दे और फिर मेरी गोली का शिकार। च्यों च्यों। सभी बंदे तो चले गए थे। दोगा ने भी जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि चौंक पड़ा। है बदमाश अपनी एक टोकरी यहीं पर छोड़ गए। मैंने उसकी सारी टोकरियां खोलकर नहीं देखी थी। टोकरी में रखा सामान देखते ही डोगा की खोपड़ी भक से उड़ गई। खोपड़ी और हड्डियां, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब वो लोग बदमाश थे। मगर वो लोग खोपड़ी और हड्डियां लेकर क्यों आए? खोपड़ी और दो हड्डियां मतलब खतरा। वहां पार्क में भी खोपड़ी और हड्डियां, यहां भी खोपड़ी और हड्डियां, ये तो पहेली सी लग रही है। डोगा के मस्तिष्क में गहरी उथल पुथल मच गई थी। क्या नाम बताया था उन बदमाशों ने अपने सेठ का? हाँ, सेठ कालूराम। ये कालू कहीं काल पहेलिया तो नहीं? कहीं ये उसी का काम तो नहीं? कालू इस बार क्या चक्कर चला रहा है? वो खतरे का निशान मेरे लिए उसके हमले की कोई पूर्व चेतावनी भी हो सकती है, या फिर वो मुझे MSEB अर्थात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय में बुलाना चाहता है, या फिर दोनों ही मैसेज हो सकते हैं। काल पहेलिया कहीं डोगा को बंदर से कटवाना तो नहीं चाहता? खौ खौ। अरे उफ, शैतान बंदर। कहीं वो चाहता हो कि डोगा को बंदर काट ले, उसे रेबीज हो जाए और वो तड़प तड़प कर मर जाए। मगर यहां तो मामला कुछ और ही लग रहा था। अरे ये बंदर तो मेरे कदमों पर लौट रहा है, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। डोगा अभी एक बंदर के बारे में ही सोच रहा था कि वहां तो पूरी वानर सेना ही नजर आने लगी। खौ 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 खौ। अरे उफ, ये क्या, इतने सारे बंदर, और ये कर क्या रहे हैं? ये सब मेरे गले में फूल मालाएं क्यों डाल रहे हैं? खौ 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 खौ। इन्होंने तो मुझे फूल मालाओं से लाद दिया, और अब ये सब भी पहले वाले बंदर की तरह मेरे कदमों में लौटकर मुझे साष्टांग प्रणाम जैसा कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें भी कालू की कोई चाल है? मगर इतने सारे बंदरों को इस काम की ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है। तो फिर बंदरों के इस तमाशे का क्या अर्थ है? खोपड़ी और हड्डी की पहेली में छिपा खतरा कौन सा है? क्योंकि बंदर तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। खो खो। डोगा किसी तरह बंदरों से पीछा छुड़ाकर वहां से निकला। कहीं मैं उस चालू कालू की चाल को समझने में ना समझ तो नहीं बन गया? सभी पहलुओं पर सोचने में डोगा ने अपने मस्तिष्क के सभी तारों को सक्रिय कर रखा था। खोपड़ी और हड्डी वाला खतरा कौन सा है? उफ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? डोगा के मस्तिष्क को उस आवाज ने झकझोरा। डोगा डोगा, जरा रुकना तो। डोगा, नमस्ते, मुझे प्रदीप पंडित कहते हैं। मैं इस मंदिर का पंडित हूँ। मुझसे क्या काम है? इस वक्त तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। डोगा, तुम देख ही रहे हो कि टेम्पू में हनुमान जी की मूर्ति है। बड़ी होने के कारण थोड़ी भारी है। मूर्ति को सुबह 5 बजे वहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाना है।
मगर ये दोनों कंबख्त नास्तिक मजदूर कहते हैं कि मूर्ति भारी है। ये दोनों दुष्ट हनुमान जी की मूर्ति को रस्सी से बांधकर खींचकर टेम्पू से उतारना चाहते हैं। इन कंबख्तों को इतनी भी समझ नहीं है कि यह पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान होगा। प्रभु की लीला देखो, उसने ठीक समय पर तुम्हें भेज दिया। डोगा डोगा, तुम बलशाली हो, तुम आसानी से एवं सम्मानपूर्ण ढंग से हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर टेम्पू से उतरवा सकते हो। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम होना चाहिए डोगा। मैं नहीं चाहता कि ये नराधम मूर्ति को हाथ भी लगाए। चलो उतरो टेम्पू से नीचे। गुस्सा क्यों होता है पंडित? हम मजदूर हैं, कोई पहलवान तो नहीं। डोगा, तुम ये मूर्ति उतार दोगे ना? अच्छा ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। डोगा टेम्पू पर चढ़ गया। इसे सामने से जफ्फी पाकर उतारना ही तुम्हारे लिए सुविधाजनक रहेगा। डोगा की बाजुओं में भरी लोहे जैसी शक्ति के लिए यह काम बेहद मामूली सा था। हुंफ, मूर्ति उठाते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना प्रभु। उफ, ये तो फ्लैश लाइट है, जैसे इस अवस्था में किसी ने मेरा फोटो उतारा हो। इस वक्त मूर्ति मेरे हाथ में है, मैं उसे देख नहीं सकता। डोगा ने मूर्ति को प्रदीप पंडित के बताए स्थान पर रखा। वाह 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 डोगा, तुमने जो काम किया है उससे बजरंग बली अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुश्मनों की नली तोड़ेंगे। बोलो जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। लो डोगा, हनुमान जी की बूंदी का प्रसाद। तब डोगा अपने रास्ते पर बढ़ चला। फोटो ही खींचा था या वैसे ही कोई रोशनी चमकी थी? शायद कोई न्यूज़ फोटोग्राफर हो जिसने मुझे मूर्ति उठाते देख फोटो खींच लिया हो। एक रिपोर्टर के हिसाब से कल के अखबार में छापने के लिए इससे बढ़िया फोटो नहीं हो सकता। टोगा ने उस प्रसाद को उस पीपल पर रख दिया। क्षमा करना बजरंगबली, मैं तुम्हारा बूंदी का ये प्रसाद नहीं खा सकता। मेरे हजार शत्रु है, जैसे वैसे तो मारने बचाने वाला तू ही है, मगर ये मेरी आदत है। मैं हर चलते फिरते से लिया प्रसाद नहीं खाता। यहाँ प्रसाद के नाम पर दुष्ट लोग कुछ भी दे सकते हैं। रात डोगा की होती है, सुबह सूरज की होती है। जॉगिंग से सारा दिन स्फूर्ति व ताजगी के साथ गुजरता है। यह तो वही जगह आ गई जहां मैंने मूर्ति उतारी थी। सूरज को कुछ नागवार सा गुजरा था। आज तो यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला था, मगर ये औरतें तो पूजा करके लौटती सी प्रतीत हो रही हैं। मंदिर में मूर्ति के बिना ही पूजा, और यहाँ तो समारोह जैसा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ये क्या, यहाँ तो मूर्ति पहले से ही स्थापित है, वो भी बजरंग बली के स्थान पर भगवान शंकर की मूर्ति। वो वाली हनुमान जी की मूर्ति भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही जो मैंने कल टेम्पू से उतारी थी। अगर मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होनी थी तो पंडित ने मुझसे झूठ क्यों कहा? और आखिर वो मूर्ति कहाँ गई? पंडित तो यहीं पर है, उससे पूछता हूँ। मगर पंडित की शक्ल ने सूरज के चेहरे पर 12 बजा दिए। ये पंडित तो वो रात वाला पंडित नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूरज के मस्तिष्क को सैकड़ों प्रश्न सांप की तरह डसने लगे थे। पंडित जी, रात को जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर टेम्पू से हनुमान जी की मूर्ति उतारी जा रही थी। कोई कह रहा था कि सुबह उस मूर्ति की स्थापना की जानी है, मगर यहाँ तो आज वो मूर्ति ही नहीं है। तुमने सपना देखा होगा बेटे, ये मंदिर शंकर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति कैसे प्रतिष्ठित की जा सकती है? मगर सारे वाक्य का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। प्रसाद तो देता जा भाई। प्रसाद? अरे हाँ, तुम भी तो रात को यहीं पर थे जब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति उतारी जा रही थी। पंडित कह रहा था कि सुबह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। हाँ साहब, किसी अजीब सी शक्ल वाले आदमी ने मूर्ति उतारी थी। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी। ये टोगा के विषय में कह रहा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले अध्याय।
और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।